टॉपिक है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होती है? टेक्निकल राइटिंग को अक्सर औकात हम तिजारती राइटिंग भी कहते हैं। तिजारती तौर पर पैमाने पर ये लिखी जाती है। एक कंपनी जब कोई चीज अपनी बेचना चाहती है, जब उसको प्रोड्यूस करती है, तो उसके मुतालिक एक बुकलेट लिखती है जो उस चीज़ के बारे में लोगों को आगाही पैदा करने के लिए लिखी जाती है। कोई भी शख्स कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करता है और लोगों को उस चीज़ के बारे में कन्विंस करने के लिए कोई बुकलेट लिखे या कोई पंपलेट लिखे, हम उसको टेक्निकल राइटिंग के ज़ुमरे में काउंट करते हैं। बुक में क्या कहता है जी? पहला है हमारे पास हेडिंग, व्हाट इज टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या है? टेक्निकल राइटिंग समटाइम्स कॉल्ड बिजनेस राइटिंग भी कहा जाता है, इज राइटिंग फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड विद ए स्पेसिफिक गोल, जिसका एक खास मकसद होता है इसके लिए लिखी जाती है। यूजुअली इट्स गोल, आमतौर पर इसका मकसद इज टू इन्फॉर्म, इंस्ट्रक्ट और परसुएट और आर्ग्यू। आमतौर पर इसका मकसद किसी को इंफॉर्मेशन देना, किसी को हिदायत देना, इंस्ट्रक्ट परसुएट किसी को कन्विंस करना अपनी बात के लिए, आमादा करना, तैयार करना, आर्ग्यू या किसी पर को दलील देना, समझाना, इसका यह मकसद होता है। टेक्निकल राइटिंग कैन रियली बी कंसीडर्ड ट्रांजैक्शनल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग को हकीकी तौर पर हम ट्रांजैक्शनल राइटिंग भी कह सकते हैं, तजारती, ताजराना, बिकॉज देर आर टू पीपल, क्योंकि दो लोग होते हैं, आर ग्रुप्स या दो ग्रुप्स होते हैं इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन में दो तरह के लोग या दो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से इसको ट्रांजैक्शनल राइटिंग भी कहा जाता है। वन पार्टी हैज ए क्लियर गोल, एक पार्टी का एक वाज़े गोल होता है, टू इन्फॉर्म और परसुएड द अदर पार्टी। क्या करना है जी? कि परफॉर्म करना है, परसुएड करना है दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी को आमादा करना है। दिस इज रियल वर्ड राइटिंग इन एवरी सेंस। कहता है कि ये हर लिहाज से एक हकीकी दुनिया की राइटिंग है कि जिसके अंदर लेन देन हो रहा है, ये है हकीकी दुनिया की राइटिंग। यू मे नॉट बी अवेयर ऑफ हाउ मच इट ऑलरेडी इंपैक्ट्स योर वर्ल्ड थ्रू टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शंस, वेबसाइट एंड कम्युनिकेशंस फ्रॉम मैनी बिजनेस एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है कि यहाँ पे आप इसे बाखबर नहीं हैं कि टेक्निकल राइटिंग ने दुनिया में कितना असर डाला है, टेक्स्ट बुक के जरिए से, इंस्ट्रक्शंस के जरिए से, वेबसाइट्स और कम्युनिकेशंस के जरिए से किस कदर असर डाल दिया है बिजनेस पर और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पर, आप इसे बाखबर नहीं हैं। देर आर प्रोफेशनल टेक्निकल कम्युनिकेटर्स, कहते हैं बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल कम्युनिकेटर्स होते हैं जो कि गुफ्तगू करते हैं, बट ओनली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैव देम। लेकिन बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के पास ये टेक्निकल कम्युनिकेटर्स होते हैं और वहां पर टेक्निकल राइटिंग यूज की जाती है। नेक्स्ट है कि व्हाई इज टेक्निकल राइटिंग इंपॉर्टेंट, टेक्निकल राइटिंग अहम क्यों है, ये हम पढ़ते हैं। व्हाई इज टेक्निकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट एंड व्हाट विल यू यूज इट फॉर? टेक्निकल कम्युनिकेशन अहम क्यों है और आप इसको किसके लिए, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे? एक्चुअली टेक्निकल राइटिंग विल बी यूज्ड बाय मोस्ट कॉलेज ग्रेजुएट्स एज
रेगुलर पार्ट ऑफ योर वर्क। कहते हैं टेक्निकल राइटिंग को ज्यादातर कॉलेज के ग्रेजुएट अपने पार्ट ऑफ वर्क के तौर पर इसको यूज करते हैं। इट इज मच मोर लाइकली दैट यू विल यूज टेक्निकल राइटिंग देन आइदर एकेडमिक और क्रिएटिव राइटिंग अनलेस यू स्पेसिफिकली एंटर दोज फील्ड्स। यहाँ पर यह क्या कहा गया है कि तलबा जो टेक्निकल राइटिंग को अपने एकेडमिक्स और क्रिएटिव राइटिंग से हट के इसका इस्तेमाल जब फील्ड में जाएंगे, जब इसका एक्सपीरियंस करेंगे, तो वहाँ पर इसका इसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे जी? उसकी एग्जांपल बता रहा है जी कि गेटिंग अ जॉब, जॉब के लिए प्रिपेयरिंग अ रिज्यूम आर करिकुलम विटाए। रिज्यूम आर करिकुलम विटाए एक ही चीज़ है, सीवी को कहा जाता है। कहते हैं कि जॉब हासिल करने के लिए या सीवी बनाने के लिए बनाते वक्त आप टेक्निकल राइटिंग को यूज करते हैं। आप नेक्स्ट पर्सन को कन्विंस कर रहे हैं कि व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस जॉब, आप इस जॉब के लिए क्यों अहम है, वो सीवी के जरिए आप उसको कन्विंस कर रहे हैं। इसी तरह किसी भी बुक का कवर लेटर हो सकता है, कवर लेटर सामने वाला लेटर जिसके जरिए से रीडर्स को कन्विंस किया जाता है उस बुक को परचेज करने में। इसी तरह कोई एप्लीकेशन हो सकती है मोबाइल वगैरह की। एंड पोर्टफोलियो डूइंग योर जॉब, पोर्टफोलियो प्लान हो सकता है डूइंग योर जॉब, आपका जॉब करते हुए। प्रिपेयरिंग मेमोज, लेटर्स, रिपोर्ट्स, इंस्ट्रक्शंस, केस रिपोर्ट्स, रिव्यूज, असाइनमेंट्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें कहते हैं कि टेक्निकल राइटिंग्स की एग्जांपल्स हैं जो कि प्रोफेशनल्स इनको यूज़ करते हैं दूसरों को कन्विंस करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट अब अगली वीडियो हम पढ़ते हैं।